हेलो लर्नर्स, दिस इज योर प्रेजेंटर अभी। आप सभी विद्यार्थी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है इस शिक्षा केंद्रिक चैनल में, जो कि आप जैसे अच्छे विद्यार्थी अच्छे बच्चों के लिए डेडिकेट की गई है। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत के जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो आने वाले जो परीक्षा है नेट की, उसके लिए हम मॉक टेस्ट की वीडियो बना रहे थे। तो ये तीसरा वीडियो है, इसलिए इसका शीर्षक है संस्कृत NTA NET मॉक टेस्ट 03। और मैं गुजारिश करूंगा जो जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो अटेम्प्ट जरूर करें, ताकि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि सेल्फ इवेल्युएट कर सके, क्योंकि बहुत दिन तो नहीं है। तो ये नया सीरीज है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा आने वाले समय में, जो कि नेट की परीक्षा देंगे, ताकि उनका रिविजन हो सके। इन सब के मॉक टेस्ट, मतलब पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। तो इसलिए हमने यह सीरीज स्टार्ट की है जो संस्कृत के विषय पर आधारित है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है न्याय दर्शन अनुसार प्रमाण आने, न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण है। ऑप्शन है त्रीनी, सत्वारी, पंचायन, सत। फिर से हम हमारे ये फॉर्मेट है कि हम 5 या 10 सेकंड देते हैं विद्यार्थियों को और उनके आंसर देने में, आंसर सोचने में, उसके बाद वो अपने आंसर इस आंसर से मिला सके कि उनका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो ये पहले बता देते हैं जो कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जो विद्यार्थी। सो 5 सेकंड देते हम, 5 4 3 2 1 0। आंसर लिखते हैं क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण है, वो है सार। न्याय दर्शन ने सार प्रमाण स्वीकार की है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पराठानुमान अवयव जो है प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान का जो आगे स्वाठानुमान पराठानुमान, उसमें कितने अवयव होते हैं। त्रय, पंच, सप्त, नव। फिर से 5 सेकंड देते हैं हम, 5 4 3 2 1 0। आंसर लिखते हैं क्या है, पंच, पराठन में पंच अवयव संति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, परसन्निकर्ष, ये संज्ञा के अंदर आ गया परसन्निकर्ष, ये कौन सा किसकी संज्ञा है। ऑप्शन है संहिता, वृद्धि, नदी या घी संज्ञा। तो फिर से 5 सेकंड देते हैं, 5 4 3 2 1 0। आंसर देखते हैं क्या है, आंसर है संहिता, परसन्निकर्ष संहिता। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, संज्ञा के क्वेश्चन तो आता ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी मिस नहीं कर सकते, जो संज्ञा प्रकरण होता है ग्रामर का। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, अदेंग, अदेंग देश, अदेंग का कौन सा संज्ञा होता है। ऑप्शन 1 गुण, ऑप्शन 2 प्रातिपदिक, ऑप्शन 3 अपृक्त, ऑप्शन 4 पदम। 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं, 5 4 3 2 1 0। आंसर इज गुणा, आंसर गुना, मतलब अदिंग गुना, ये कंप्लीट हो गया अदिंग गुना। बहुत ही बेसिक से सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल जरूर आते हैं नेट के क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक संज्ञा, न वेति का संज्ञा क्या है। पहला विभाषा, उपधा, निष्ठान, परगृहम। फिर से 5 सेकंड देते हैं, 5 4 3 2 1 0। आंसर इज विभाषा, न वेति विभाषा। इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी समय इतना कम है कि एक्सप्लेनेशन करने का टाइम भी नहीं है। बाद में अगर नया वीडियो बनाएंगे तो एक्सप्लेन हम जरूर करेंगे सभी संज्ञाओं का क्या अर्थ होता है। इसके लिए ये संस्कृत का चैनल है, सभी संस्कृत के नॉलेज के लिए। देखते हैं अभी मॉक टेस्ट खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यस्य प्रयत्न, तुल्यस्य प्रयत्न, प्रयत्न ये किसका संज्ञा है। घू का संज्ञा है, सवर्ण का संज्ञा है, निष्ठ का या संहिता का। 5 सेकंड स्टार्ट, 5 4 3 2 1 0। आंसर देते क्या है, सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम। ये सवर्ण क्या होता है, निष्ठा क्या होता है, संहिता क्या होता है, वो हम बाद में कई वीडियो लाएंगे, वहाँ पे हम पूरा एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि ग्रामर का पूरा क्लियर हो जाए ग्रामर का पोर्शन। अभी मॉक टेस्ट देते हैं, हाँ। और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, किसका कितना सही हुआ, कौन कितने पानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में वर्गीकरण से आधार, भाषा में वर्गीकरण से आधार कब होती, किम होती, काल, धर्म, प्रवृत्ति या आकृति। फिर से 5 सेकंड देते हैं, 5 4 3 2 1 0। आंसर इज आकृति, ओके। भाषा का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं, वह आकृति के आधार पर।
अब आकृति क्या है वो हम बताएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्दवे मावसनाहा, कार्दवे मावसनाहा किसका संघ है, स्वर का संघ है, अर्ध स्वर का संघ है, स्पर्श का संघ है या उष्मान का संघ है। अभी 10 सेकंड देते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कार्दवे मावसना किसका संज्ञा है, वह स्पर्श, स्पर्श वर्ण का संज्ञा क्या है, कार्दवे मावसना स्पर्श। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एडिशनल नोट आ गया, जो जो भी एक क्वेश्चन आते हैं उसका एडिशनल नोट भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम देखते हैं, उससे कई मतलब ये सुविधा होती है कि कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आंसर के बाद एडिशनल जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कहाँ मिलेगा, यही भी मिलेगा, यही भी मिलेगा, हमने ही बनाया है। तो देखते हैं क्या है एडिशनल नोट में। एडिशनल नोट प्रश्न कहीं न थे, मतलब न्याय दर्शन के प्रमाण जो सात प्रकार है, सात प्रकार के प्रमाण है वो क्या क्या है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अपमान है, सत्य है। सबको पता ही होता है लेकिन किसी को नहीं पता होता है, तो इस वीडियो से शायद पता चले उसको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो था परार्थ अनुमान और अवयवाहा, फाइव अवयवाहा वो क्या क्या है, प्रतिज्ञा है, उदाहरण है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है। इसका इसका एग्जांपल हम कभी देंगे अनुमान के, अगर प्रश्न उत्तर हम करें तो हम वो पूरा अनुमान को कवर कर लेंगे, परार्थ अनुमान क्या क्या है। उसके बाद संज्ञा, आज संज्ञा के बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। संहिता, संहिता का संज्ञा पर संहिता से संहिता। उसके बाद वृद्धि, वृद्धि ये सब सूत्र है पाणिनि का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंठस्थ कर लिया, मुखस्थ कर लिया, नमरस कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, एक बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद ग्रामर पढ़ने के लिए। तो इसलिए पाणिनि अष्टाध्याय पढ़ने के लिए कुछ तो सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, उसमें से ये सब सारे इंपॉर्टेंट है संज्ञा। उसके बाद वृद्धि, वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश उसको हम अगर भागवत कर दे तो क्या है, वृद्धि आप उसको एक ही शब्द में क्या होता है, वृद्धि आदेश। उसके बाद नदी, नदी का क्या संज्ञा होता है, वो है युष्टाख्यो नदी। अभी ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, अभी तो मॉक टेस्ट है, अभी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सभी संज्ञाओं का एक कवर करें। तो अभी एक ही थोड़े से ब्रीफ में बता देते हैं युष्टाख्यो नदी क्या होता है। यू, यू कैसे बनते हैं, ईकार और उकार को अगर संयोग कर दे, उस संयोग कर दे तो यू होता है, यू स्त्री एक्नोडी। सो दीर्घ ई कारंत और दीर्घ उ कारंत, और जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द होता है उनका नदी संज्ञा होता है, जैसे नदी का तो नदी है। उसके बाद और क्या है, कितने सारे है दिमाग में नहीं आता अभी, ये बोल देते हैं, मतलब दीर्घ ई कारण तो, दीर्घ ऊ कारण तो सब शब्दों का, और जो स्त्रीलिंग होता है उस सब शब्दों का एक ही संज्ञा होता है, वह है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा पढ़ेंगे तो खी संज्ञा पढ़ना ही पड़ेगा, इन दोनों के बीच कनेक्शन है भाई बहन। तो खी, खी का क्या संज्ञा है, शेषव खी और सखी। उसके बाद गुण का संज्ञा है अडिंग गुणा। उसके बाद है यहाँ पे प्रातिपदिक लिखा होना चाहिए था, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का क्या संज्ञा होता है, अर्थवत अधातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो अर्थयुक्त हो, जो धातु ना हो अधातु, जो प्रत्यय भी ना हो अप्रत्यय, उनका प्रातिपदिक का संज्ञा होता है। उसके बाद पदम, पदम का क्या संज्ञा, सुप्तिमंतम पदम, ये सबको पता है, सुप विभक्ति एंड तिंग विभक्ति, सुओजस और ती दशंते, ये तो सबको पता ही है, सुप एंड तिंग, ये प्रातिपदिक है और धातु है, सुप तिंगंतम, सुप है प्रातिपदिक, तिंग है धातु, तो इन सबका पद संज्ञा होता है। उसके बाद उपधा, अला अंत पूर्व उपधा। उसके बाद निष्ठा, निष्ठा का क्या संज्ञा होता है, त तब तो निष्ठा, त प्रत्यय एंड तबते प्रत्यय, इन दोनों को एक साथ निष्ठा बोलते हैं। उसके बाद प्रगृहम, प्रगृहम क्या होता है, इत उत एट डिवोशनल प्रगृहम, ई कारंत एंड ऊ कारंत, ई कारंत ऊ कारंत डिवोशन शब्दों का प्रक्रिया संज्ञा होता है। देन उसके बाद भाषण, ये सब खत्म हो गया संज्ञा जितना था इस स्लाइड्स में, स्लाइड्स मतलब इस पेजेस में, तो आज के क्वेश्चन में जितना संज्ञा था वो हमने कवर किया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था भाषण वर्गीकरण से आधार, भाषण वर्गीकरण का आधार क्या होता है, वो है आकृति, वो हम पहले भी बता सके हैं। उसके बाद है वर्ण का उच्चारण स्थान, वो है स्वर, स्वर। उसके बाद कार्य स्पर्श, स्पर्श स्वर
स्पर्श का क्या है, कार्य मामोचना स्पर्श, उसके बाद अंतस्थ का क्या है, क से म तक वो स्पर्श वर्ण होते हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, य र ल व अंतस्थ, ये चार वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। उसके बाद उसमें क्या है, श श श ह उष्म, हमारा मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, मतलब ये श्व अलग है, ये श अलग है, ये श अलग है, हमारा एक साथ मतलब प्रैक्टिस ना होने की वजह से सभी सा एक ही साथ एक जैसे ही सुनाई देता है, लेकिन श्व श स श्व श स ये सब अलग अलग है, एक है तालब श्व, एक है मूर्धन्य श्व, और एक है दंत श, हाटो हा ही है उष्मान। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 3। तो ये सब हम बनाते रहेंगे मॉक टेस्ट 3, 4, 5, 6 और जितने एनालिसिस संस्कृत के नेट के अकॉर्डिंगली हम बनाते रहेंगे। तो हर बार की तरह एक बार भी हम कहेंगे कि चैनल को समर्थन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको संस्कृत के ऐसे अमेजिंग नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यही था मॉक टेस्ट, आप लोगों का स्कोर जरूर बताना कॉमेंट में, कितना किसको इस 8 क्वेश्चन, आज कितना क्वेश्चन था, हाँ आज 8 क्वेश्चन था, आप 1 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, बहुत मजा आता है अगर कोई कमेंट करता है तो, करके मजा होता है, हम भी रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यही था आज का वीडियो, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा, तो सबका दिन संकल्प मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, धन्यवाद, बाय बाय।